तो देखो रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के अंदर WWE के जरूर कम्पीट करने वाला है, लेकिन रिसेंट टाइम में कुछ स्पेकुलेशन आई सामने कि शायद जो रोमन रेंस का WWE कॉन्ट्रैक्ट है वो रेसलमेनिया 40 के बाद खत्म होगा। तो फाइनली उसको लेकर कुछ क्लेरिफिकेशन कुछ अपडेट्स आई सामने कि रोमन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब खत्म होने वाला है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। प्लस जे ऊसो जो है वो साल 2024 के अंदर भी WWE के खासम खास मर्चेंडाइज सेलर बने हैं, उन्होंने CM Punk, Cody Rhodes सभी को पीछे छोड़ा एक बार फिर से। LA Knight की कंडीशन है स्मैकडाउन के एडिशन के बाद Sami Zayn को मिलने वाला है इस साल एक मेजर पुश और भी अपडेट्स में जाने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हाँ, जैसा मैंने कहा कि जो रोमन रेंस है वो रेसलमेनिया 40 में कंपीट करेंगे, चाहे वो फिनिश द स्टोरी के लिए करें या फिर सामोअन को डाउन करने के लिए करें, लेकिन क्या रोमन के कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस है उसके साथ में और भी कुछ बहुत सारी अपडेट्स हैं इस वाली वीडियो के अंदर, एकदम दिल थाम के बैठ जाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वीडियो को शुरू करेंगे ड्वेन जॉनसन द पीपल्स चैंप द रॉक के साथ में, और रिसेंट टाइम में जाकर जो रॉक है उन्होंने ये बात कंफर्म कर डाली है कि भाई जो चीजें हुई है वो जस्ट एक तरह का कहते हैं ना आने वाली चीजों का ट्रेलर था या फिर आने वाली चीजों का एक टीजर था। हुआ क्या था, रॉक ने अपनी जो आने वाले रिटर्न है वो टीज इस तरीके से की है जब उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर बस आज से कुछ घंटे पहले एक पोस्ट डाली थी जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। अब जो मेन चीज है ना वो यहाँ पे कैप्शन पढ़ना है, लिखा है एनर्जी वाइब मूड ग्रेटफुल फॉर द कनेक्शन एंड मोर टू कम, यानी कि जो एनर्जी है जो वाइब है मूड है ये जो कनेक्शन मिला ऑडियंस से द रॉक का वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब आने वाले टाइम में और भी ये होगा। तो ये बात द रॉक की तरफ से कंफर्म है, मुझे लग रहा है इवेंचुअली ये बात पूरे तरीके से तुम लोग कंफर्म मान ही लो कि तुम्हें साल 2024 के अंदर डेफिनेटली रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, ड्वेन जॉनसन वर्सेस द ट्राइबल चीफ, ये मेगा क्लैश सामोअन क्लैश जरूर दिखाई देगा। अब बढ़ते हैं इसके बाद अली अपडेट की तरफ। ये रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है, हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रिसेंटली स्मैकडाउन के अंदर अपीयर हुए थे और उन्होंने आके एकदम बैडास वाली चीज कही थी, उन्होंने आके तीनों बंदों को धोया ब्लड लाइन के साथ मिलकर एंड उसके बाद जाके खुद फंस गए क्योंकि अब उन्हें अब एक बड़े मैच के अंदर यानी कि फेटल फोर वे मैच में अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करनी पड़ेगी। बाय द वे तुम लोगों को बताऊं रिसेंटली हुआ क्या, एक वीडियो क्लिप आई है सामने, वीडियो क्लिप तुम लोग देख पा रहे होगे, ये बैक स्टेज की वीडियो क्लिप है और एक डार्क मैच हुआ था बियांका बेलेयर और चेल्सी ग्रीन के बीच में। इस वाले मैच को रोमन बहुत ध्यान से देख रहे थे बैक स्टेज के ऊपर, तो मुझे लग रहा है चेल्सी ग्रीन के लिए भी और चेल्सी ग्रीन के लिए स्पेशली एक अच्छी बात है कि जो रोमन रेंस है या फिर जो इतने बड़े टैलेंट है WWE के वो उनको देखते हैं कि मॉनिटर कर रहे हैं। ऑफकोर्स रोमन अगर उन्हें कुछ लगेगा तो सजेशन भी उस चीज को लेकर देंगे, भाई ये चीज ऐसे नहीं बल्कि वैसे होनी चाहिए थी। तो ये कुछ अभी फिलहाल बात आई है सामने, फैंस ने भी कहा है कि भाई चेल्सी ग्रीन को बियांका बेलेयर के मैच को अगर रोमन देखें तो डेफिनेटली ये अच्छी चीज है, बिकॉज तुम देखोगे इतने बड़े सुपरस्टार है रोमन को गई ऐसा जरूरत नहीं है किसी भी मैच को देखने की, ऐसा नहीं कि WWE ने फोर्स कर रही है। और ऊपर से वीडियो क्लिप आई है सामने, इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है जरूर शेयर कर देना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इसके बाद वाली जो न्यूज है वो जुड़ी है हमारे जे ऊसो के बारे में। जे ऊसो WWE कंपनी के अंदर रीसेंट टाइम में टॉप मर्चेंडाइज सेलर बने थे और इसकी जो अपडेट है मैंने तुम्हें चैनल के ऊपर भी दी थी कि भाई जे ऊसो की जो मर्च है वो अच्छी खासी बिक रही है। अच्छा डिफरेंस ये था नंबर वाइज में CM Punk ऊपर थे, लेकिन जे ऊसो की तीन अलग अलग मर्चेंडाइज थी टॉप 10 लिस्ट के अंदर। एंड एक बार फिर से 5 जनवरी या 7 तारीख है 5 तारीख की लिस्ट आई है सामने की 5 तारीख के अराउंड तक कौन WWE में मर्चेंडाइज सेलर के टॉप पे चल रहा है। स्क्रीन शॉट तुम लोग देख पा रहे हो, रेसल फीचर्स की तरफ से स्टैट्स आए सामने। ऑफकोर्स नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन CM Punk ने मेंटेन की है, उनके रिटर्न वाली टी शर्ट अभी तक भयंकर बिक रही है और जो हेल फ्रोजन ओवर टी शर्ट थी वो भी अभी तक बिक रही है। लेकिन इसके अलावा जे ऊसो का तुम लोग नंबर देखो 4th, 5th और 7th, जे ऊसो की तीन मर्चेंडाइज टॉप 10 के ऊपर है। लेजेंडरी ब्रे वायट स्टिल 9th नंबर के ऊपर एंड 10th नंबर पे है रिया रिप्ले, रैंडी ऑर्टन की भी 2 मर्चेंडाइज है यहाँ पर, कोडी रोड्स का रिक्लेम किंगडम की जो मर्च है वो भी इसके टॉप 6th नंबर के ऊपर आई है। तो ये कुछ अभी फिलहाल चीजें हुई हैं जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। CM Punk ऑफ कोर्स एक टॉप मर्चेंडाइज सेलर है, लेकिन जे ऊसो कहीं ना कहीं एक भयंकर वाला उन्हें कंपटीशन देने में लगे हुए हैं। अब बढ़ते हैं इसके बाद अली अपडेट की तरफ। ये Sami Zayn के बारे में जुड़ी है, Sami Zayn हो सकता है WWE से एक बार फिर से छोटे टाइम के लिए जाते हुए नजर आए, अभी फिलहाल उनका क्या कुछ सीन है वो पता नहीं क्योंकि हमने देखा भी था कि लाइव इवेंट के अंदर Sami Zayn को हल्की चोट वोट लग गई थी। लेकिन बाय द वे तुम लोग को बता दो कि Sami Zayn को लेकर अपडेट आई है सामने कि WWE वाले जो HHH है वो इस साल Sami Zayn को एक अच्छा खासा पुश देने के बारे में सोच रहे हैं और वो ऑफकोर्स सिंगल्स पुश होगा, ऐसा नहीं होगा WWE उन्हें जे ऊसो के साथ टैग टीम में डाल देगी, ऐसा नहीं होगा एक बार फिर से वो केविन ओन्स के साथ यूनाइट हो जाएंगे, रियूनियन हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन एक सिंगल्स पुश जो है सॉरी वो फॉर श्योर आने वाला Sami Zayn का साल 2024 के अंदर, जो कि मुझे लग रहा है Zayn के फैंस के लिए एक अच्छी न्यूज है। बाकी लेट्स सी अगर WWE जो प्लान उन्हें एक्चुअल में इंप्लीमेंट करती है तो किस तरीके से चीजें होती हैं एंड WWE जो वो किस तरीके से बुक करने वाली Sami Zayn को पूरी एक्टिव स्टोरी लाइन के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है ये सारी चीजें WrestleMania 40 के बाद स्टार्ट होंगी। अब बढ़ते हैं
इसके बाद अली अपडेट की तरफ एले नाइट के बारे में छोड़ी। अगर तुमने स्मैकडाउन देखा होगा तो वहां पे जो एले नाइट थे ना उनके ब्लड वगैरह निकलने लग गया था। अब जब ब्लड निकला तो भाई फैंस को लगा कि टीवी 14 नहीं रहा, वापस आ रहा है। चलो वो एक डिफरेंट बात थी, लेकिन हुआ क्या, रीसेंट टाइम के अंदर फाइटफुल सेलेक्ट वगैरह की तरफ से एक अपडेट आई है सामने। इस अपडेट के अकॉर्डिंग ये बात कंफर्म की गई है कि एले नाइट पूरे तरीके से सही है, उन्हें आज तक कोई भी बड़ी इंजरी का सफर नहीं करना पड़ा या फिर वो WWE से चक्कर में बाहर नहीं जाएंगे। वो रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर कंपीट करेंगे उस वाले पूरे मैच के अंदर। फिलहाल देखो ये बात रिपोर्ट ने कंफर्म नहीं की, वो जो ब्लड वाला स्पॉट था क्या वो WWE की तरफ से प्लान्ड था, क्या वो WWE वालों की तरफ से स्क्रिप्टेड था या फिर कुछ और सीन था बेसिकली यहाँ पे। लेकिन अभी फिलहाल मैं तुम लोग को यही बातें बता सकता हूँ कि जो एले नाइट है वो पूरे तरीके से फिट एंड फाइन है और ऑफकोर्स वो रॉयल रंबल के अंदर कंपीट करेंगे। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन यानी कि रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। अब देखो रोमन रेंस जो है वो रॉयल रंबल के अंदर अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे, लेकिन इसी टाइम में स्पेकुलेशन कुछ ऐसे आ रही है सामने कि जो रोमन की जो पूरी टाइटल रेन कह लो वो शायद रेसलमेनिया 40 में एंड हो जाए। उसका रीजन ये होगा कि जो रोमन रेंस है उनका रेसलमेनिया 40 के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है। लेकिन हुआ कि इसको लेकर रीसेंट टाइम के अंदर एक क्लेरिफिकेशन अपडेट आई है सामने। बेसिकली ये जो अपडेट है वो रेसलिंग ब्लॉग इन जीरो न्यूज की तरफ से आई है। यहाँ पर ये बात कंफर्म की गई है कि जो रोमन रेंस है पहली बात उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं होने वाला है। यानी कि जो बात आ रही सामने कि रेसलमेनिया 40 के अराउंड जो रोमन का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा एंड देन रोमन जो है टाइटल वगैरह लूज करके WWE से चले जाएंगे, तो वो चीज पूरे तरीके से गलत है। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन बाय द वे तुम लोग ये बता दो कि जरूर न्यूज की तरफ से इसको लेकर एक और काउंटर अपडेट, काउंटर तो नहीं कहूंगा लेकिन इसको लेकर और क्लेरिफिकेशन अपडेट आई है सामने। उसका भी स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे और यहां ये बात बताई गई कि प्रोबेबली जो रोमन रेंस का WWE कॉन्ट्रैक्ट है वो साल 2025 के अराउंड एक्सपायर होने वाला है। यानी कि जो रोमन है वो WWE को मे बी उस टाइम लीव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखो जब रोमन ने डील साइन की थी ना तो ये बात कंफर्म थी 3 साल तक की डील है। इवन रोमन ने खुद ये बात कंफर्म की थी और $5 मिलियन पर ईयर की डील थी। तो 2025 के अंदर यानी कि एटलीस्ट इस साल रोमन कहीं नहीं जा रहे हैं, WWE डेफिनेटली उन्हें रीसाइन करवाने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि WWE वाले उनको रीसाइन नहीं करवाएंगे एंड रोमन लीव्स WWE। तो ये जस्ट एक तरह के फॉल्स र्यूमर है जो कि मुझे लगा तुम लोगों को थोड़ा सा क्लेरिफाई करने चाहिए। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।